वेरी गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक इन माय फिजिकल एजुकेशन क्लास ऑफ क्लास 12. पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था क्लास 12 में, आपके 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं. 1 to 7 चैप्टर आपसे हाफिले एग्जाम भी आपका कंप्लीट हो चुका है. उसके बाद अब आपका जो है प्रैक्टिकल स्टार्ट होने जरूरी हैं. अभी तक तो सारे प्रैक्टिकल जब तक कॉलेज ही ओपन नहीं होते तब तक वर्चुअल रहेंगे. उसके बाद जो है आपके प्रैक्टिकल जो है कॉलेज भी ओपन होने के बाद एक प्रॉपर शेप में आ जाएंगे. तो प्रैक्टिकल में आप फाइल आपको कैसे तैयार करनी है, किस तरीके से तैयार करनी है और उसमें क्या क्या मेंशन करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा. और ये जो प्रैक्टिकल्स हैं आपके, ये सारे आपके जो है 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होंगे टोटल. आपके 30 मार्क्स में आपको कितने ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा, किस तरीके से करना है और क्या क्या चीज़ें मैंशन करना है. तो इस क्लास में मैं आपको टोटल जो है आगे चैप्टर कराने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकल्स जो है वो कम के प्रैक्टिकल के बारे में, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है उसके बारे में मैं बताऊंगा. प्रैक्टिकल फाइल भी मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से बनानी है, कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है आपको. और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कन्फर्म कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपके जो प्रैक्टिकल्स को जो 30 मार्क्स को जो डाइवर्ट किया गया है वो किन किन पॉइंट्स में किया गया है वो मैं बता रहा हूँ. सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट इज प्रैक्टिकल फिटनेस टेस्ट. जब आपकी शुरुआत में क्लास हुए थे, फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत में जो क्लास हुई थी क्लास 12 की, तो हमने आपसे फिटनेस टेस्ट कार्ड बनवाया था जिसमें आपका BMI और एंड्योरेंस टेस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, वो सारे टेस्ट से मेंशन थे. तो वो टेस्ट आपको जो है इसमें तैयार करने हैं, इसमें बनाने हैं और प्रैक्टिकल फाइल में वो सारी चीज़ें जो भी आपने टेस्ट किए हैं अपने आप पर वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी है. उसकी रीडिंग्स जो है और जो भी क्वेरीज हैं वो आप सारी चीज़ें जो जो उस प्रैक्टिकल में पूछा गया है, प्रैक्टिकल फाइल में वो फिटनेस टेस्ट में जो जो आपसे पूछा गया है वो सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन करेंगे, बताएंगे और उसकी सारी रीडिंग इसमें लिखेंगे. मेरे आपके प्रीवियस वीडियो देखिएगा, शुरुआत में उनमें मैंने सारे फिटनेस टेस्ट कार्ड जो आपका और हेल्थ कार्ड जो आपको बनवाया है उसमें मैंने जो जो टेस्ट बताए, BMI टेस्ट है आपका और एंड्योरेंस टेस्ट है आपका और सारी चीज़ें हैं, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट है और ये सारी चीज़ें, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन टेस्ट है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी. और अब आपको जो है इसमें इसको जो है अपनी प्रैक्टिकल फाइल में सबसे पहले मेंशन करना है, ठीक है. तो इसके बाद आता है आपका पॉइंट नंबर, ये आपका जो फिटनेस टेस्ट कार्ड जो है ये 6 मार्क्स का है. ये 6 मार्क्स में जो भी वो चेंजेस हुए हैं कोरोना की वजह से, आपका जो सिलेबस था वो कम हुआ है, तो आपका जो ये फिटनेस टेस्ट का जो फिटनेस टेस्ट जो आपको तैयार करने हैं ये आपके 6 मार्क्स के होंगे. और उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स. गेम्स एंड स्पोर्ट्स में प्रोफिशिएंसी आपकी क्या है, किसी भी एक गेम्स में आपको अपनी प्रोफिशिएंसी दिखानी होगी, उस गेम के बारे में लिखना होगा, उस गेम के बारे में सारी चीज़ें तैयार करनी होंगी, उसका डायग्राम, उसकी फील्ड का डायग्राम, उसके इक्विपमेंट्स, उसके स्किल्स, उसकी टर्मिनोलॉजी और जो है उसके जो फेमस प्लेयर्स के नाम, आपको वो गेम क्यों पसंद है, आप उसकी स्किल्स भी आपसे जो पूछी जा सकती है वो भी आपको करके दिखानी होगी. और गेम्स में CBSE में जो गेम्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लगभग 10 गेम हैं, 10 नहीं बल्कि कमी हैं, 8 गेम्स हैं आपके. तो वो आपको उनमें से कोई भी एक गेम में आपको उस तैयार करना है प्रोजेक्ट अपना पूरा उसी प्रैक्टिकल कॉपी में. और ये आपका जो है 7 मार्क्स का है. और इस प्रैक्टिकल कॉपी में आपको गेम्स के बारे में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा. तो ये गेम्स में आपको जो भी एग्जामिनर आएंगे, जब आपके बोर्ड के जो प्रैक्टिकल होंगे उसमें जो एग्जामिनर आएंगे वो बाहर से ही आएंगे, जैसे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में आते हैं इस तरीके से एग्जामिनर आएंगे और वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, हम सिर्फ उनकी हेल्प के लिए रहेंगे. इसलिए आप जो भी गेम सेलेक्ट करेंगे उस गेम के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर स्किल्स, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी उसकी, प्रॉपर ग्राउंड मेजरमेंट, सब कुछ पता होना चाहिए. उसी तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में मेंशन भी करना है, ठीक है. तो इसके बाद आता है आपका नंबर 3 योगिक प्रैक्टिस. योगिक प्रैक्टिस क्या है, 7 मार्क्स का है योगिक प्रैक्टिस. उसमें आपको लाइफस्टाइल डिजीज जो है उसके बारे में, कोई भी दो लाइफस्टाइल डिजीज हैं और कोई भी दो, जैसे हाइपरटेंशन है और शुगर की प्रॉब्लम है
बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको हाइपरटेंशन और शुगर की प्रॉब्लम्स को से रिलेटेड जो लाइफस्टाइल डिजीज है इससे रिलेटेड आपको कोई भी दो दो आसन, एक एक डिजीज के बारे में आपको कोई भी दो, कम से कम दो आसन आपको तैयार करने हैं, अपनी प्रैक्टिकल फाइल में मेंशन करने हैं, और वो मेंशन करने के बाद आप उसमें से वो आसन आपको अच्छे से आने भी चाहिए। अगर आपसे एग्जामिनर करने को बोलता है तो आपको वो आसन करके भी दिखाने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी होगी। इसके बाद आता है रिकॉर्ड फाइल। रिकॉर्ड फाइल आपकी 5 मार्क्स की है। फाइल कैसे तैयार होगी, किस तरीके से तैयार होगी ये मैं आपको बता दूंगा, और कैसी फाइल आपको तैयार करनी है प्रैक्टिकल फाइल वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि एग्जामिनर पर सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन आपका जो होगा वो फाइल का होगा, प्रैक्टिकल फाइल आपने कैसे तैयार की है। और आपके पास सफिशेंट टाइम हो है अभी तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। इसके बाद आता है आपका रिकॉर्ड फाइल के बाद लास्ट वाइवा। वाइवा जो होगा उससे आपके जो भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं और योगा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो एग्जामिनर पूछेंगे, वो आपको 5 मार्क्स का है। अगर आपने सही आपने आंसर दिया तो आपको पूरे पूरे मार्क्स गेन होंगे। तो ये आपकी 5 चीज़ें हैं जिसमें आपका 30 मार्क्स का है। फिर से रिपीट करा रहा हूँ, आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट 6 मार्क्स का, प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स 7 मार्क्स, किसी भी एक गेम में, सारे गेम्स में किसी भी एक गेम में, और योगिक प्रैक्टिस जो मैंने आसन बताए वो आपको दो दो आसन यानी 4 आसन आपको अच्छे से आने चाहिए लाइफस्टाइल डिजीज़ से रिलेटेड। इसके बाद रिकॉर्ड फाइल कैसे बनानी है ये मैं आपको बताऊंगा, ये योगिक प्रैक्टिस वाले 7 मार्क्स का होगा आपका। और इसके बाद आता है आपका रिकॉर्ड फाइल 5 मार्क्स की, और वाइवा जो है आपका 5 मार्क्स का होगा। तो ये आपको तैयार करना है, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल। इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको PDF के थ्रू भी भेज दूंगा फोटो खींच के। आपको जो है ये गेम्स में, और गेम्स में मेजर गेम कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट, ये आपके 8 गेम्स हैं मेजर गेम। इसमें से आपको कोई भी एक गेम सेलेक्ट करना है, उसके बारे में लिखना है, उसकी स्किल्स के बारे में मेंशन करना है, उसकी सारे टर्म्स जो हैं, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझना है, और एग्जामिनर उससे रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको उसका आंसर भी देना होगा बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये और स्किल भी, जो गेम्स की स्किल होती है वो आपसे स्किल करवा के भी देखी जा सकती है, तो इसका ध्यान रखिएगा, जो भी आप सेलेक्ट करें उसका उस पर आपका पूरा कमांड होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल फाइल में आपसे कितने मार्क्स के प्रैक्टिकल होगा और क्या क्या तैयार करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल फाइल दिखाऊंगा, उसको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी है, ठीक है, और उसमें क्या क्या मेंशन करना है। थैंक यू।